धरती के बाद मची है भाग मभाग, अंतरिक्ष में होटल खोलने की, स्पेस स्टेशन पर रहने के लगेंगे लाखों। कई कंपनियां आजकल अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल निर्माण की होड़ में लगी है। अंतरिक्ष के इन होटलों में भी आपको कमरा उपलब्ध होगा, जहां खेलों का मजा भी ले सकेंगे और यहां से पृथ्वी के विहंगम विराट दृश्य देख पाएंगे। पर इस सब के लिए मोटी रकम चुकानी होगी। कैलिफोर्निया की एरोस्पेस कंपनी ओरियन स्पेन 2024 तक अंतरिक्ष में पर्यटकों को ले जाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए ओरोरा नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में जुटी है। ओरोरा आकार में कैप्सूल जैसा और एक निजी विमान जितना बड़ा होगा। इसमें एक बार में 5 लोग इस स्टेशन में करीब 12 दिन तक रह सकेंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति $95 लाख यानी करीब 68 करोड़ भारतीय रुपए का खर्चा आएगा। इस स्टेशन पर आने वाले सभी यात्री वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा बन सकेंगे। यहां ये सभी एक दिन में करीब 16 सूर्योदयों और सूर्यास्तों का आनंद भी ले सकेंगे और शून्य गुरुत्वाकर्षण में टेबल टेनिस खेल सकेंगे। कंपनी के संस्थापक फ्रैंक बंगर के मुताबिक अब तक 30 लोगों ने $80,000 यानी करीब 57 लाख रुपए जमा कराकर अपनी सीट बुक करा ली है। कैलिफोर्निया की ही दूसरी कंपनी गेटवे फाउंडेशन भी वॉन ब्रॉन नामक एक विशाल स्पेस स्टेशन बनाने का विचार कर रही है, जिसमें पर्यटक, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर और घरेलू सहायक समेत 400 से ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले इस स्पेस स्टेशन का आकार एक पहिए की तरह होगा। जब यह घूमेगा तो धरती का एक तिहाई कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसी जून में घोषणा की थी कि वह 2 व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए प्रत्येक यात्री को एक महीने तक $35,000 यानी करीब 25 लाख भारतीय रुपए प्रति रात्रि के हिसाब से चुकाने होंगे। परंतु अंतरिक्ष में होटल बनाने के लिए कानूनी बाधाएं भी कम नहीं है। साल 1967 में अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष के संसाधनों का कोई देश एकतरफा तरीके से दोहन नहीं कर सकता है।